नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। मंदिर के शिवलिंग को तोड़कर हिंदुओं की आस्था के साथ खेल खेला अराजक तत्वों ने। लगभग 400 से 500 साल पुराने मंदिर के शिवलिंग को काट ले गए अराजक तत्व। क्या कहा क्षेत्रीय लोगों ने, पूरी घटना को हम दिखाते हैं। लाइव टीवी समाचार के लिए जिला ब्यूरो नैमिष विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं जनपद उन्नाव में, पट्टी उस्मान के जुल्फिकारपुर गांव पड़ता है वहां पर। यहां पर कल रात को चोरी हो गई थी, जो कि मंदिर की आस्था के साथ में लोगों ने खिलवाड़ किया है। और यहां पर एक शिवलिंग था जिसको काट करके चोर ले गए हैं। हम आपको पूरी हकीकत दिखाते हैं यहां पर मंदिर के अंदर जा करके कि कैसे क्या काटा है यहाँ पर और क्या कुछ हुआ है और मंदिर कितने साल पुराना है। लोगों से जानकारी करने के बाद पता चला है कि मंदिर लगभग 200 से 250 साल पुराना है। और यहाँ पर आस्था जो है हिंदुओं की मंदिर के प्रति काफी पुरानी है। और आइए हम दिखाते हैं जहाँ पर चोर जो है काट ले गए थे, मंदिर को काटा था, वो जगह हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ, ये देखिए, ये देखिए इस जगह पे शिवलिंग था यहाँ पर और यहाँ पर चोर काट के ले गए हैं शिवलिंग को। ये एक काफी निंदनीय घटना है। कुल मिलाकर इस तरीके की घटना समाज में बुराइयों को पैदा करती है और बुराई के एक खिलाफ हम लोग जो है क्या कुछ कर पाते हैं, ये तो बहुत समय बताता है। और आइए हम यहाँ पर बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर गाँव के ही सम्राट व्यक्ति मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं कि मंदिर में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ है। दादा, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? अमोदा। कैसे जानकारी हुई चोरी की? मंदिर में जाते हैं पूजा करने, मंदिर आए तो मैं जानकारी दी। फिर आपने इसकी सूचना किसको दी? पुलिस मौके मौजूद। जानकारी बताई है भैया ने कि पुलिस भी मौके मौजूद रही है, पुलिस ने अपना अग्रिम कार्रवाई की है यहाँ पर। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस मंदिर की विख्यात प्रसिद्ध के बारे में कि मंदिर ये कितना पुराना है और क्या है। इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बिल्कुल अविश्वसनीय है। क्योंकि कुछ कहावत कही गई यहाँ पर, ये जो शिवलिंग था ये स्थापित नहीं किया गया था। क्या जानकारी है ये हम आपको बताते हैं। ये शिवलिंग जो है स्वयंभू है और इसमें लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है। 500 वर्ष पुराना, जी हाँ। और बराबर आस्था जुड़ी हुई है हम लोगों की, और जो भी जिसने भी किया है उसका विनाश होगा, ये विश्वास है हम लोगों को। जी, तो भैया का कहना है कि ये लगभग 500 साल पुराना, तो समझ सकते हैं आप कि 500 साल पुराना एक मंदिर है, उसके साथ में इतनी निंदनीय घटना हुई है जो कि इस समय सभी लोगों के समझ के बाहर है कि इस तरीके की घटना कौन कर सकता है और क्यों करेगा। आखिर एक मंदिर में कौन कर सकता है और क्यों करेगा। आखिर एक मंदिर में इस तरीके की घटना, एक शिवलिंग के साथ में इस तरीके की घटना समझ के बाहर है यहाँ पर सभी लोग। आइए हम बात करते हैं, क्या नाम है भैया आपका, कहाँ रहते भैया? क्या यहाँ पर चोरी हुई, इसकी जानकारी कैसे हुई और इस मंदिर के बारे में क्या कुछ खास है आप बताएं हमको। मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पे गाय भैंसों की अगर कोई दिक्कत हो जाती थी तो यहाँ पे आते थे, बाबा दरबार में स्नान जाते थे, कोई चढ़ा जाते थे, इनकी गाय भैंस ठीक हो जाती थी, जैसे जितना दूध देती थी उतना देने लगती थी। यही सब समस्या मतलब लोगों की यहाँ पे मिलाती सही हो जाती थी। मेरे आने से मंदिर बहुत पुराना है, यहाँ पे जो अराजक तत्वों ने यहाँ पे जो घटना की है ये हमारे हिंदुओं के हृदय पे आघात किया। बाबा का सर नहीं काटा गया, हमारा हिंदुओं का सर काटा गया, ये बहुत दर्दनाक है। ये कहना है आलोक जी का कि ये बाबा का सर नहीं काटा गया, हिंदुओं के साथ में खिलवाड़ किया गया है। ये आस्था के साथ तो खिलवाड़ है, क्या कार्रवाई होगी? पुलिस तक हाथ पहुंचते हैं, पुलिस के इस घटना करने वाले व्यक्ति तक या चोरों तक क्या कुछ होगा, ये तो वक्त और समय ही बताएगा। मैं नैमित विश्वकर्मा, लाइव टीवी समाचार, जिला ब्यूरो चीफ उन्नाव। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।